हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग एक रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग रियलिस्टिक आई, नोज और लिप को ड्रॉ कर सकते हैं। और गाइस, आपको बिल्कुल हम बेसिक से बताने वाले हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने आउटलाइन ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो जाकर देख लो, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोग भी रोनाल्डो सर को ड्रॉ करो और आप लोग देख सकते हो, आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको शेडिंग करना बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितना रियलिस्टिक फेस है रोनाल्डो सर का। एंड तो इसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पोर्ट्रेट को बहुत ही ईजिली शेडिंग कर पाएंगे। मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, कहाँ यूज़ कर रही हूँ, एवरीथिंग गाइज। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने ड्राइंग को आई से स्टार्ट कर दिया है और गाइज, इस ड्राइंग को मैं बिल्कुल लेयर बाय लेयर शेडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ लाइट पेंसिल HB का, और उसका यूज करके मैं बिल्कुल लाइटली शेडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है गाइज। एंड आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे शेडिंग कर रही हूँ। और शेडिंग करते समय हम लोग को एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो पेंसिल है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। जब हमारा पेंसिल शार्प होगा तो बहुत ही अच्छे से शेडिंग होगा और बहुत ही रियलिस्टिक ड्रॉ होगा। इसलिए पेंसिल को शार्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल अच्छे से शेडिंग होने के बाद हम यूज करेंगे ब्रश का, और उसे बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ हम लोग ब्लेंड करेंगे। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ 2B पेंसिल का, उसका यूज करके फिर से हम लोग वही सेम प्रोसेस से शेडिंग करेंगे। और ये हमारा सेकेंड लेयर है गाइज, और ऐसे लेयर बाय लेयर शेडिंग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है, बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग होता है। तो इसे कहते हैं लेयर बाय लेयर शेडिंग। एंड तो आप लोग ध्यान से देखो, 2B पेंसिल का यूज करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ 6B पेंसिल का, उसका यूज करके हम लोग बहुत ही अच्छे से शेडिंग करेंगे। और आप लोग देख सकते हो काफी अमेजिंग सा रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे करके। और शेडिंग करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट ब्रश का, उसका यूज़ करके बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और आप लोग देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग सा आई हमारा, एक आई जो है ड्रॉ हो चुका है। वहीं हम लोग सेम प्रोसेस से सेकेंड आई को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं नोज पे। अब नोज को गाइज फर्स्ट लेयर हम लोग को ड्रॉ करना है बिल्कुल लाइटली HB पेंसिल का यूज करके, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे 2B पेंसिल का थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके। और यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि कहाँ पर डार्क पार्ट है, कहाँ पर लाइट पार्ट है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और जहाँ भी डार्क पार्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर आप थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर सकते हैं। और
शेडिंग करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे ब्रश का, उसका यूज़ करके बहुत ही अच्छे से हम लोग ब्लेंडिंग कर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, आप लोग देख ही सकते हो। और आप लोग भी ऐसे ही करो सेम प्रोसेस से, जो कि बहुत ही ईजी है। एंड उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे 2B पेंसिल का, और आप लोग देख सकते हो इसका यूज़ करके जहाँ डार्क पार्ट है उसको पहले करेंगे। इस तरह से हमारा नोज भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लिप एंड टीथ को। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले तो HB पेंसिल का, उसका यूज़ करके मैं लाइटली शेडिंग करूँगी फर्स्ट लेयर। एंड देन मैं यूज़ करूँगी 6B पेंसिल का, उसका यूज़ करके जो भी डार्क पार्ट है माउथ में उसको पहले मैं करूँगी, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी 2B पेंसिल का, उसका यूज़ करके बहुत ही स्मूथली हम लोग शेडिंग करेंगे लिप को और उसको ब्लेंड करेंगे। तो गाइज ऐसे ही हम लोग यूज़ करेंगे HB पेंसिल का, और उसका यूज़ करके बहुत ही लाइटली टीथ में भी शेडिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग सा रिजल्ट आया है, और ऐसे हम लोग को शेडिंग करना चाहिए। आई होप कि आपको ये शेडिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।